सारी चीजें होने के बाद टीम का भी तो प्लानिंग होना चाहिए। तो टीम के प्लानिंग में सबसे पहले क्या बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आपको पता है कि कैसे बनाना है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सबको एक प्रॉपर नाम देना पड़ेगा, और हमारा भी एक नाम होना चाहिए कि हम अपने कंपनी में कौन सी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारा कैसा होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो काम सब करता है, पैसा एक रुपया नहीं लेता है, सबसे सस्ता वाला हम खुद ही होते हैं हमारी कंपनी के लिए। जो काम बहुत करेगा पैसा कुछ नहीं लेगा, तो वैसा नहीं बनना है। फिर हमें यह देखना पड़ेगा टीम के लिए सबके जेडीएस और केआरएस होने चाहिए, जिसको कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन और केआरए, की रिजल्ट एरिया। भाई तू करेगा क्या और तू मुझे परिणाम देगा क्या, ये दोनों पेपर पर होना चाहिए। फिर आगे हमें बनाना पड़ता है हर पर्सन को जो हम रिक्रूट करने वाले हैं, जिसकी जेंडर क्या होगी, जिस पर्सन का एज क्या होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा और उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, ऑन पेपर होना चाहिए कि कैसा बंदा आपको चाहिए। फिर सैलरी का बजट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्या होगा, बोनस आप क्या देंगे, अलाउंसेस आप क्या प्रोवाइड करोगे। क्योंकि ये बातें जब वर्बली नहीं होती और बाद में जब निकलती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर आपको क्लियर करना रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन, कि टास्क क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, हॉलीडे क्या रहेगा, ट्रैवलिंग का अलाउंसेस क्या रहेगा और क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारा ऑन पेपर होना चाहिए। और लास्ट में उस पर्सन का ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि सर अगर आप मुझे 5 साल देते हो, 10 साल देते हो, तो 5-10 साल के बाद आपका ये स्ट्रक्चर हो सकता है। कि उसको बताओ कि आपका प्रमोशन कैसे होगा और टाइम टू टाइम कैसे होगा। नहीं तो हर बार बंदा ये उम्मीद लेकर बैठता है कि हर साल 5%, 10%, 15% तो ग्रोथ मिल ही जाएगा, और लोग दे भी देते हैं लेकिन उसकी एबिलिटी उस लेवल की होती ही नहीं है। 10,000 वाला बंदा 10 साल काम करके 25,000 पर पहुंच गया होता है, आज 25,000 हमें देना तो पड़ता है लेकिन 25,000 का वो काम ले नहीं पाते, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्यों? सबसे पुराना था तो उसको ग्रोथ दे दिया, अब उससे जो काम लेना था वो ले नहीं पा रहे, तो उसका ग्रोथ प्लान आपने प्रॉपर तैयार किया नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब आपकी कंपनी में आता है और बोलता है ना कि मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, तो वहां पर डरना नहीं, वो फायदे वाली चीज है। क्योंकि जो ज्यादा कमाना चाहता है ना, वही आपको ज्यादा कमा के देगा। जिसका माइंडसेट एक जगह फिक्स हो गया है ना कि इतना ही अपने को चलता है, तो वो चीज आपके लिए नुकसान है। उल्टा लो, हम क्या उल्टी तरीके से लेते हैं, भाई पगार तो नहीं बढ़ेगा भाई, तो उसका भी ग्रोथ आपने अटका दिया और उसका ग्रोथ अटक गया तो अल्टीमेट वो ज्यादा एफर्ट करेगा, आपका भी ग्रोथ अटक गया और उधर ही दोनों लटक गए। ये नहीं होना चाहिए, क्लियर है? अब इसके बाद जो हमें प्लानिंग करना होता है वो होता है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हमें सबसे पहले देखना है मार्केट की नीड क्या है और अनसॉल्व प्रॉब्लम मार्केट का कौन सा है, कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आज भी मार्केट में चल रहा है जिसका सॉल्यूशन हम अपनी प्रोडक्ट से या सर्विस से दे सकते हैं। आज से 8 साल पहले गुरुकुल ने यह सोचा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंगें ले ली है, ट्रेनिंग ले लेके थक गए हैं, अब वो चाहते हैं कंसल्टिंग, कि भाई इंप्लीमेंटेशन करने वाला कोई चाहिए। तो गुरुकुल प्रकट हो गया मार्केट में और उसने बोला हम इम्प्लीमेंटेशन आपको करके देंगे, और हम करके देते हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा व्यापार वहां से मिलना शुरू हुआ, और आज आप लोग भी हमारी कंसल्टिंग प्रोसेस में जुड़े हुए हो, जहां पर हम आपको बताते भी हैं और करवाते भी हैं। यस या नो? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने ऐसा कौन सा अनसॉल्व प्रॉब्लम मार्केट का है जो आप सॉल्व कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट से। फिर सबसे ज्यादा जरूरी होता है रेवेन्यू मॉडल। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना रेवेन्यू मॉडल क्या है, कोई बताएगा क्या है? हेलो, रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्या है ये साला रेवेन्यू मॉडल, कोई बताओ मुझे।
रेवेन्यू मॉडल का मतलब ये होना चाहिए कि आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके कंपनी के सारे खर्चे खत्म हो जाने चाहिए, फिर भी प्रॉफिट आपका बचे। अभी क्या होता है, धंधा चलाने के लिए हम धंधे में जाते हैं, क्यों? क्योंकि खर्चे फिक्स है लेकिन इनकम फिक्स नहीं है। तो हमें जिस तरीके से हमने अपने खर्चे फिक्स कर लिए हैं, हमारी आउटकमिंग मतलब इनकम भी हमारी फिक्स हो जानी चाहिए और वहां पर मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उस मॉडल को जो बिल्ड कर लेता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू मॉडल। क्लियर? अब आगे अपने बात करेंगे कि हमारा टीजी क्लियर होना जरूरी है। लास्ट टाइम हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया था और आपको बताया था कि आपका टीजी कौन सा है, अपर मिडल है, लोअर मिडल है, मिडिल क्लास है, बराबर, या सुपर रिच है या रिच है। तो वो आपका टीजी क्लियर होना चाहिए कि आपको किनको सर्व करना है। कई लोग आकर मुझे बोलते हैं, सर आप बद्दाज मारा कस्टमर, तो मैं बोलता हूं ये गलत बात है, आपकी सारे कस्टमर किसी के नहीं है। आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका टीजी कौन है जिसको आप सर्व करोगे। फिर आपको देखना पड़ेगा आपका प्राइसिंग, क्योंकि टीजी जैसे होगा ना वैसे प्राइसिंग होगा। एक इंसान एक ही प्रोडक्ट का आपको 100 रुपया देकर जाता है, वही प्रोडक्ट मार्केट में 1000 में भी बिकता है, वही प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 में भी बिकता है और वही प्रोडक्ट मार्केट में 1,00,000 में भी बिकता है। तो प्राइसिंग सबके अलग अलग होते हैं उसकी ब्रांड के हिसाब से, सही है? तो आपके भी प्राइसिंग उस तरीके के होने चाहिए कि कौन से मॉडल का प्रोडक्ट किसको आप दोगे और उसका प्राइसिंग क्या रहेगा, प्राइसिंग लिस्ट जिसको बोला जाता है। फिर आपको जो बिल्ड करने की जरूरत रहती है वो होता है मार्केटिंग और सेल्स। तो मेरा ये सवाल है, मार्केटिंग और सेल्स एक है कि अलग है? कैसे? क्योंकि कई लोग बोलते हैं आने में मार्केटिंग माटे राखेलो छे और काम उसको सेल्स का करवाते, और कई लोग रखते हैं सेल्स वाले को और बोलते हैं ये मेरा मार्केटिंग करे। तो मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग है, एक नहीं है। कैसे? बहुत बढ़िया। मार्केटिंग का मतलब ये होता है अवेयरनेस फैलाना, लोगों के पास से लीड लेकर आना, और सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू जनरेट करना, लोगों के पास से पैसा लेकर आना। ये दोनों फर्क है। क्लियर? अब आगे हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्रोथ की। तो क्या हमने कोई ग्रोथ की स्ट्रेटजी प्लान की है हमारे धंधे को बिल्ड करने के लिए? भाई साहब इतना तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम ग्रोथ की स्ट्रेटजी के प्लानिंग के ऊपर बात करें। क्यों? क्योंकि हम रूटीन में ओवर बिजी है। तो कई कंपनियां हर 3 महीने में, हर 1 साल के अंदर या हर हफ्ते के अंदर पर्टिकुलर एक टाइम निकालती है स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए, और वो स्ट्रेटजी प्लानिंग होता है जहां पर हम क्वार्टरली मीट करवाते हैं। उस क्वार्टरली मीट के अंदर हम लोगों को बताते हैं पिछले 3 महीने में हुआ क्या, अब 3 महीने में करेंगे क्या और उसका प्लानिंग क्या है, वो पूरी स्ट्रेटजी बनती है। तो वो होनी चाहिए।